बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए जा रहे मकानों को पास कराने वाले फील्ड ऑफिसर रिश्वत की मांग कर रहे हैं। अगर पैसे नहीं दिए गए तो आपका मकान नहीं बनेगा। अगर आपको बुलंदशहर के सियाना क्षेत्र सहित किसी भी स्थान पर मकान पास कराना है तो उसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। आपसे मकान पास कराने को लेकर 10,000 से 25,000 रुपए तक की डिमांड की जाएगी। आपको पहली किश्त आने पर 5,000 से 10,000, दूसरी किश्त आने पर 10,000 और तीसरी किश्त आने पर 5,000 रुपए देने होंगे। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह जिन लोगों के मकान बन रहे हैं या पैसे नहीं देने की वजह से अधूरे पड़े हैं वह लोग कह रहे हैं। यही कारनामा वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो मकान पास करने वाले अधिकारी उसे मकान फेल करने की धमकी देते हैं। अगर किसी ने भी अपनी जुबान खोली तो मकान बीच में ही रोक दिया जाएगा और मकान की किश्त भी नहीं आएगी। ऐसे ही 6 महीने से भी ज्यादा से कुछ मकान रुके हुए हैं। केवल उन्हीं लोगों के मकान बने हैं जिन लोगों ने फोटो खींचने वाले और मकान पास करने वाले अधिकारियों को टाइम पर पैसे दे दिए हैं। अफसोस की बात तो यह है कि रिश्वतखोरी के चलते एक ही घर में 3 मकान पास कर दिए और जिसको लेकर गरीब लोग भटक रहे हैं। उनके मकान बनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारियों की नीचे से लेकर ऊपर तक जुड़ी हुई चैन सभी की है, मिली भगत से चल रही है। केवल फोटो खिंचवाने और मकान पास करवाने के नाम पर ही पैसा वसूला जाता है। यह बड़ा जांच का विषय है। बुलंदशहर से जिला संवाददाता मुकेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। नगर पालिका शाना में प्रधानमंत्री आवासीय योजनाओं के मकानों को लेकर नगर पालिका के टुंडा विभाग के अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही मामला एक SDM शाना के संज्ञान में आया है, जिसकी लाभार्थियों ने शिकायत भी की है। SDM शाना ने नगर पालिका अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि SDM शाना की जांच में क्या होता है। कैमरामैन विकास पर्सन के साथ मुकेश कुमार लोधी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? पूजा। आपका जो मकान है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत कच्चा मकान है और आपने पन्नी भी डाल रखी है, तो आपने इसका कोई फॉर्म वगैरह भरा था? भरा है। कितनी बार भरा था? कई बार भर दिया, लौट कर नहीं आ गए, तो कागज हमारे पास ही रखे। तो अधिकारी यहाँ पे एक बार आए थे देखने के लिए? आए हैं, जब चले जाएं, बार बार चले जाएं। क्या कहते हैं अधिकारी? वहाँ फिर आएंगे। कितने समय से ऐसी बेकार है अधिकारी आपको? कई साल हो गए। तुम्हारे लिस्ट में नाम ना, उसमें नाम ही ना। ऑनलाइन भी भरा था आपने? हाँ, नाम ही ना उसमें, कागज वापसी कर दिए। वापसी रखे कागज तो देंगे वापसी। बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम जी। आपने कोई मकान वकान का फार्म वार्म भरा था क्या? भरा जी। कितनी बार भरा था आपने? 3 बार फार्म भर दिया। तो आपका मकान में नाम आ गया? नाम तो आ गया, नु कह दे नु आंगे आंगे तुम्हारे पैसे जी। कितने समय से बेकार है अधिकारी? 2 साल से भी ज्यादा हो गई। बेकाते ना हमारे शौचालय है ना कुछ, हमने शौचालय का फार्म भरा वो भी नहीं आए जी। तो अधिकारी क्या कहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, क्या कहते हैं अधिकारी? वो बस नु कह दे देख जा, नु कह दे नु आएंगे तुम्हारे पैसे जी। जो पैसे देंगे उनके ही थोड़ी मकान आएंगे, गरीब आदमी के दाने की ना। तो पैसे कौन दे रहा है? जिन्हें के बन गए वो सब पैसा ही दे, मैं हम पे ना तो हमारे बनेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा रमजान। क्या मामला अम्मा, ये मकान आपका प्रधानमंत्री योजना के तहत बना है? हाँ। क्या कह रहे हैं अधिकारी, क्या है वो? क्या नाम जी, बेटी ने मेरी ने इसमें कागज भरे थे, मकान बनने लगा, उसके बाद क्या नाम जी उन्होंने पैसे मांगने शुरू कर दिया। आने के बाद पैसे आते ही निकले भी ना थे, जब तक पहले लाओ पैसे लाओ, उनको आ जाएंगे दे देंगे। 5,000 ले लिए, 10 मांग रहे थे पहली किस्त पे, अब दूसरी किस्त आई तो 10 ले लिए, 20 मांग रहे थे जी, 10 दे दिए, अब तीसरी आएगी तो 10 फिर मांग रहे हैं जी। तो टोटल आपने कितने पैसे दे दिए? 15,000 पहुँच गए। तो अभी कितने की डिमांड कर रहे हैं? अब 10 और मांग रहे हैं अब की किस्त पे, अभी तीसरी पे, अभी नहीं आई, रोक लगा रखी है उन्होंने। हाँ, अब रुक रही है किस्त। सर, अभी भी कुछ ग्राम लोग यहाँ पे इकट्ठे होके आए थे, बहुत सारी महिलाएं भी थीं उसमें, तो सर क्या मामला है, इतने सारे लोग जो एप्लीकेशन लेकर आए, क्या है सर मामला? देखिए, बहुत सारे लोग आए थे, उनका कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उनका नाम अभी तक आया नहीं है,
तो उनको कुछ जानकारी का अभाव था, उनसे जानकारी प्राप्त की गई कि आपने फॉर्म कब भरा, आपके पास कोई रिसीविंग हो, तो उनमें से अधिकांश के पास कोई कागज़ नहीं था, तो उनको बता दिया गया है कि जन सुविधा केंद्र पर जाकर अपना ऑनलाइन फॉर्म भरें और निश्चित रूप से उनका भविष्य में नाम आ जाएगा। सर जैसे बता रहे थे कुछ लोगों ने पैसे का भी आरोप लगा रहे हैं, 20 से 25 हज़ार रुपये लोग ले रहे हैं वहाँ पे जो प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बना रहे हैं, जो पास करते हैं मकान, इस संबंध में उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कुछ लोग उनसे पैसों की मांग कर रहे हैं जो डूडा विभाग से संबंधित हैं, और डूडा विभाग को हम फॉरवर्ड कर देंगे कि जो भी अगर ऐसे कर्मचारी हों जो लगे हुए हों तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। आपका मकान दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जैसे कच्चा मकान है आपका, आपने इसका कोई फार्म वार्म भरा था? हमने भर दिया 3-4 बार फार्म जी। हाँ तो क्या हुआ था, क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी नु कहते हैं अभी नंबर ना आ रहा तुम्हारा जी। आए थे यहाँ पे अधिकारी देखने के लिए? एक बार आए जी, तो नु कह रहे हैं अभी तुम्हारा नंबर ना लिस्ट में नाम ना तुम्हारा जी। हाँ नु कहते हैं। तो कितने समय से आप परेशान हो रही हैं? हमें तो कई साल हो गए परेशान होते, बारिश में भी नहीं बैठे रहे बच्चे ने ले ले कर। बहन जी क्या नाम है आपका? अनोखी देवी। ये आपने कोई मकान का फार्म वार्म भरा था क्या? हाँ 3 फेर भर दिए मैंने जी। फिर आया आपका नाम मकान में? मकान है नो, पहली किस्त आई, पहली किस्त में से पैसे लेंगे जब मकान बनाएगा। कितने पैसों की डिमांड कर रहे हैं? 2.5 लाख। नहीं ना, जो वो मांगते हैं अधिकारी 12 मांगे, 12,000। तो आपने भी दो किस्तों में 12,000। तो आपने कितने पैसे दे दिए, कुछ दिए या नहीं दिए? अभी फार्म के दिए मैं 300 रुपये फार्म भरेगा ये 300 रुपया में जी। 300 रुपये दे दिए आपने, अभी 12,000 की और डिमांड कर रहे हैं। तो आपका मकान का नाम आ गया आपका मकान? हाँ नेट पर आ रहा है, मकान बना है, नेट पर नाम आ रहा है। 70,000 रुपया था, मैं घर से भी लगा दी। तो जल्दी मछली बनाने की बन जाएगा जी। लोन लिया तो बिहानिया को आ रही है। बहन जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हीना फातिमा जी। जी बताइए क्या हुआ था आप जब मकान पास हुआ आपका? मकान तो पास हुआ, मकान बन तो रहा है लेकिन किस्त आई थी, तो उन्होंने जो अधिकारी बीच में जो आके फोटो वोटो खींचे तो वो कह रहे कि मैं पैसे दो इसमें से। अब उन्होंने पहली किस्त में मांगे थे 10,000, 5 फिर भी ले गए वो, बहुत ज़्यादा कैसे सुनने के बाद में। फिर दूसरी आई तो दूसरी में से 15 मांगे जी, फिर उसमें से हमने 10 दिए, तब भी ये कह रहे तीसरी किस्त आई कि तब भी दे रहा। हमने बहुत मना करा, मैं कि मैं तो वैसे ही बहुत परेशान किराए पर रहती हूँ और मेरा वैसे ही बच्चा है, आदमी कोई है नहीं कमाने वाला। तो आपके आपके जो पति है उनको क्या हुआ? उनसे मेरा डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स हो गया था उनका जी। मैं किराए पे रहती हूँ, फिर घर में भी नहीं रहती, अपने वहाँ के भी भैया के पास भी नहीं रहती, ना ही मुझे अपने बच्चे का सहारा, बच्चा ही मेरा बहुत छोटा है, ये भी नहीं कि मेरा बच्चा इतना बड़ा है कमाने लाके। मैंने उनसे ये भी कहा था, मैंने कि तुम ये तो देखो कि जिनके पास इतना कुछ है चलो तुम्हें दे देंगे 15-20 हज़ार रुपये, तो उनसे तुम ले सकते हो, लेकिन मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे पास तो इतना भी नहीं कि मुझे किसी का सहारा, मेरा बेटा ही बहुत छोटा है, ये कमाने लायक भी नहीं है, 8 साल का लड़का मेरा। लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं हमें भी तो बहुत आगे सोचना है, हमें भी तो पैसे पता नहीं कह रहे कि कहीं को देने हैं, और हम ऐसे तो लेते ही हैं 20-25 हज़ार रुपये हर किसी इंसान से लेते हैं, तो हम तुमसे भी लेंगे। मैंने मना करा, मैं मेरे पास नहीं इतने, उन्होंने कहा नहीं तो हम तुम्हारा काम नहीं करवा रहे हैं, तुम्हारे जो हम आगे कोई कार्रवाई करवा रहे हैं, तुम्हारे ऐसे पैसे कैसे आ जाएंगे यानी बिना उसके, हमें तो ये चाहिए। तो आपसे फ़िलहाल कितने पैसे गए अब तक? अब तक तो मुझसे राहुल ने 15,000 रुपये लिए, अभी और मांग रहे हैं तीसरी किस्त। हाँ तीसरी किस्त में कह रहे हैं, जब तीसरी किस्त आएगी, जब पास होगी वो हम ही तो करेंगे, जब ही आएगी, वरना अगर आप पैसे नहीं दोगे तो किस्त पास नहीं करेंगे। हाँ किस्त पास नहीं होगी, और मैं परेशान हूँ इतनी मजबूर हूँ, लेकिन उन्होंने फिर भी परेशानी को देख के भी फिर भी ये नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं बहन जी के तुम मत दो पैसे, उन्होंने ये कह दिया फिर भी हमें चाहिए, क्योंकि हमारे तो कई जने हैं ये कि 2-4 जने हम हैं कि आपस में इनका हिसाब होता कि कैसे कैसे हम इनकी किस्त करवाते हैं, तुम घर बैठे कोई तुम्हारी किस्त आ जाएगी, हम बहुत कार्रवाई करते हैं, तो जब इधर तुम किस्त आएगी तुम्हारी, वो इस वजह से लेके गए मैं इससे पैसे। सब प्रधानमंत्री योजना के तहत इस शाना में मकान बनाए जा रहे हैं, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष इकट्ठे होकर आए थे, उन्होंने एक शिकायत पत्र दिया है। सर सर क्या मामला है पूरा? उन्होंने आरोप लगाया है कि वो पैसे मांगते हैं हमसे। ऐसी शिकायतें प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, वो ईओ को जाँच भेजा गया है, और मेरा ये कहना है कोई भी लाभार्थी है यदि उसको ये लगता है कि प्रथम किस्त प्राप्त करने के बाद मानक के अनुसार वो बना लिया है, अगली किस्त नहीं आई है, तो उसकी लिखित शिकायत अपनी किस्त की मांग कर सकता है। किसी मध्यस्थ या दलाल के पीछे ना दौड़े, ना उनके हाथ में फंसे, ना उन्हें पैसे दें, ना उनकी बातों में आए जी।
सर बताया जा रहा है कुछ लोगों की उन्होंने किस्त भी रोक रखी है, जिनको पैसे दिए जाते हैं उनकी तो किस्त पास हो जाती है, जिनके पैसे नहीं जाते उनकी किस्त पास नहीं होती सर। ऐसा कोई व्यक्ति जो समझता है वो शिकायत कर सकता है लिखित कि मैंने मेरा ये मकान यहाँ तक पहली किस्त का बन गया है, अगली किस्त नहीं प्राप्त हुई है, और वो निश्चित उसको पैसे रिलीज होंगे। किसी मध्यस्थ के माध्यम से पैसे नहीं रिलीज होते हैं, वास्तव में यदि काम हुआ हो तो पैसे रिलीज होंगे, यदि नहीं वहाँ तक मानक के अनुसार पहली किस्त का काम हुआ तो पैसे नहीं रिलीज होते हैं। सर ऐसा भी सुनने में आ रहा है जो पात्र लोग हैं उनके मकान नहीं बन रहे हैं, अपात्रों के बन रहे हैं सर। ऐसा व्यक्ति कोई शिकायत कर सकता है स्वतः अपनी ओर से कि मैं पात्र हूँ, मेरा मकान नहीं बना, जांच होगी पात्रता की, पात्र होगा तो मकान बनेगा। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।